एल्विश यादव इस समय ये जो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी एल्विश यादव इस तरीके की चीजें बहुत बार कर चुके हैं, और ये जो भाई वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो निजी के सारे कारनामे, सारे काले चिट्ठे खोलकर जनता के सामने रख देंगे। लेकिन इन बातों में आखिर कितनी सच्चाई है, और निजी ने आखिर ऐसा क्या लिखा था जो अब एल्विश यादव के हाथ लग चुका है, और एल्विश यादव इसका मुद्दा बनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदू है, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आपको बता दें कि एल्विश यादव वही एल्विश यादव हैं भाई जो बिग बॉस OTT जीत कर गए हैं, और अब इस समय जिनका करियर बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ा है। फिलहाल आपको बताऊं तो नेजी और कटारिया की लड़ाई होती है, जिसके बाद बहुत जाहिर सी बात थी, पक्का था कि भाई एल्विश यादव इस मुद्दे पर जरूर से जरूर बोलेंगे। और एल्विश यादव ने इस तरीके से बोला कि आप पूछिए मत। एल्विश यादव ने कहा था कि भाई नहीं, अगर आपको लगता है गांव वाले हैं तो आ जाइए, आपको ही चारा खिला देते हैं। ये तो ट्वीट आई एल्विश यादव की तरफ से आया था, लेकिन इस समय एक और ट्वीट है जो आपको देखना चाहिए और मैं आपके सामने रखूंगा। नेजी ने 25 मार्च 2013 में एक ट्वीट किया था, आप देख सकते हो। नेजी लिखते हैं, आई लव इट व्हेन हॉट गर्ल्स प्ले होली इन वाइट टाइट ड्रेसेस, हैशटैग आई एम सो चीप। और ये कमेंट को अब मतलब वायरल कर रहा है, बिकॉज एल्विश यादव ने इसको जो है ना रीट्वीट करते हुए इसको रिप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। ये एल्विश यादव लिखते हैं, अरे नेजी भाई, जिसके बाद अगर मैं कुछ कमेंट्स बताऊं तो कोई लिखता है कि नेजी ने ये पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी बहुत बार किया है। ब्यूटिफुल गर्ल्स आर वर्थ एफ, उसके आगे आप समझ सकते हैं। उसके आगे कोई लिखता है कि आई स्पीक द ट्रुथ बट आई गेस दैट्स अ फॉरेन लैंग्वेज टू यू ऑल। और ऐसे में आपको दिखा देता हूँ यार, रादर देन पढ़ने से बेहतर है, आप देख सकते हो जो भी उनके शब्द हैं, ये सारे उनके शब्द हैं, उनके ट्वीट्स हैं नेजी के, जिसको एल्विश यादव ने इस समय सामने लाया है, और नेजी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलता है आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।